अदा करेगा लोग ना, नमक का हक अदा तो करता ही है बनारस, गुजरात को नहीं करेगा, हैदराबाद को भी करेगा। क्या गुजरातियों का कर्जा खाया है बनारस? बनारस दिल्ली को भी प्यार करता है, अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए। बनारस गुजरात को भी प्यार करता है, आप जाके देखिए नरेंद्र मोदी को। बनारस अब की बार हैदराबाद से भी प्यार करने के मूड में है, और देखिएगा मजलिस का रिजल्ट क्या होगा। तो बनारस वाले जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें जो है नरेंद्र मोदी के सामने वो डर गई, भारतीय जनता पार्टी के सामने सलेंडर कर गई, और जो लोग सवालों पर लड़े हैं और बनारस और बनारसियत के सवाल पर लड़े हैं वो लोगों के लिए कोई मंच नहीं बाकी रह गया। ऐसे स्थिति में असद ओवैसी साहब की पार्टी ने मुझे ऑफर दिया, कहा कि आपने आंदोलन किया, आपने लड़ा है, और आपके लड़ाई को आगे जारी रखने के लिए मजलिस आपको टिकट देना चाहती है, आप अपने स्वेच्छा से बताइए क्या करना। मेरी भी लड़ाई अधूरी रह जाती, इसलिए हम लोग जो है चुनाव में अपनी भागीदारी करने के लिए मजलिस के टिकट से, चुनाव चिन्ह पतंग से हम चुनाव लड़े। मिश्रा जी, कुछ ही घंटे में वोटिंग होगी, क्या उम्मीद लग रहा है आपको? हम तो जीतने जा रहे हैं, माहौल जाके पता कर लीजिए, अपने मुँह से बोलेंगे तो लगेगा कि बेखुफ्ताना बात कर रहे हैं। आप जनता के बीच में जाइए और देखिए उनके मिजाज को, जो आक्रोश है, जो गुस्सा है सत्ता पक्ष से, उसका सीधा का सीधा रिएक्शन जो वोट है वो सीधे मजलिस के पास जाता है। लगातार एक सवाल उठाया जाता है मीम पार्टी के खिलाफ कि वोट कटवा पार्टी है, बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को फायदा पहुंचाती है, तो कहीं ना कहीं आप बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। हाँ ठीक है, आप भी बनारस में आए हैं, कई दिन से आए हैं? 3 दिन हो गए सर। सर्वे किए होंगे? सर्वे किए हैं। कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट कैसा है? कांग्रेस की तो सर हालत खराब है उत्तर प्रदेश में, उसकी तो बात ही नहीं। उसका कैंडिडेट मेरे विधानसभा में बात करिए, अगर आप घूमे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके पास रिपोर्ट होगी। वोट कटुआ आपके कह देने से थोड़ो नहीं हो जाएंगे, आपके कह देने से वोट कटुआ नहीं हो जाएंगे। किसकी कौन सी कार्रवाई है, उस कार्रवाई के तहत हम वोट कटुआ हैं कि नहीं है, इस बात को रखना देखना है। आप जाके देखिए कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी है वो घर से बाहर नहीं निकल रही हैं, सिंबल अलर्ट हो गया है और वो खाली वोट काटने पे लगी हुई हैं। समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो हमारे विधानसभा के ही नहीं हैं, समाजवादी पार्टी के पास हमारे विधानसभा का कोई नेता नहीं रह गया जिसको वो वोट दे पावे। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के जो लोग उत्तरी विधानसभा के वोट करेंगे समाजवादी पार्टी को, वो वोट कटुआ होंगे कि नहीं होंगे? मैं इस विधानसभा का नेता हूँ, मैं आंदोलन का नेता हूँ, मैं बनारस और बनारसियत के सवाल पे लड़ा हूँ, मुझसे पूरे एक एक जनता के लोगों का दिल ही लगा हुआ है, तो समर्थन तो मेरे पास जा रहा है। तो यहाँ उत्तरी में वोट कटुआ मजलिस नहीं है, वोट कटुआ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बसपा के लोग हैं जो अंडर टेबल सेटिंग करके पैसा लेन देन करके नरेंद्र मोदी के चरण चाटन को करने का काम किया, गुलामी करने का काम किया, उनके सामने अपना घुटना टेकने का काम किया, मजलिस ने नहीं किया। अच्छा, मिश्रा जी ठीक है, आप बहुत मजबूत स्थिति में पूरी देश की नजर है, लेकिन प्रधानमंत्री डटे हुए बनारस में, कह रहे लोगों ने नमक खाया है मोदी का, नमक का हक अदा करेगा लोग ना? नमक का हक अदा तो करता ही है बनारस, गुजरात को नहीं करेगा, हैदराबाद को भी करेगा। क्या गुजरातियों का कर्जा खाया है बनारस? बनारस दिल्ली को भी प्यार करता है, अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए। बनारस गुजरात को भी प्यार करता है, आप जाके देखिए नरेंद्र मोदी को। बनारस अब की बार हैदराबाद से भी प्यार करने के मूड में है, और देखिएगा मजलिस का रिजल्ट क्या होगा। तो बनारस वाले मिश्रा जी का बनारस वाले प्यार करेंगे कि नहीं सर? अरे अजीब बात है, आपके घर के लोग आपसे प्यार करते हैं कि नहीं? तो मोदी जी का है सर। नहीं नहीं, आपका घर, आपके घर के लोग आपसे प्यार करते हैं कि नहीं करते? करते ही हैं सर। करते हैं ना, मेरा घर है बनारस, मेरा परिवार है बनारस, मुझसे प्यार करते हैं। मोदी जी कैसे कह रहे हैं? तो मोदी जी का जो है वो क्या कहा जाता है उसको, लव जिहाद वाला प्यार है। अच्छा, एक एक सवाल ये बता दिए सर मुझे कि आप मीम पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में कहाँ देखते हैं? एकदम नंबर एक पे देखते हैं, नंबर एक पे देखते हैं, नंबर एक पे देखते हैं। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो अपने मार्कशीट को थोड़ा चेक करवाइए फिर से पत्रकारिता का। किससे मुकाबला है? मुकाबला हमसे सबसे है, सवाल करते समय थोड़ा समझा करिए। मुकाबला मुझसे है, बनारस से है मुकाबला, इन तमाम फिरका परस्त ताकतों का जिन्होंने पिछले 5 साल से आंखों में आंसू दिया और दिल में दर्द दिया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, बहन बेटियों को दर्द दिया, किसानों को आतंकवादी कहा, नौजवानों को लाठियों से पीटा, बुनकरों का, हमारे बनारस का बुनकरी बर्बाद करके रख दिया, हमारा उद्योग चौपट हो गया। मुकाबला तो उन गद्दारों से है। योगी जी तो कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे आपके, उनसे कह दीजिएगा कि जो बुलडोजर खरीदें उनका ड्राइवर बनारस वाले मिश्रा जी बदलवा दिए हैं। अच्छा एक बात बताइए, हिजाब के मसले को इतना बड़ा बना दिया तो कहीं ना कहीं चुनाव में बीजेपी को फायदा होने वाला है इसका? काय का बड़ा बना दिया,
बहन बेटी का सवाल है, आपको आपको अपनी बहन बेटी का इज्जत नहीं होगा तो आप नहीं बोलेंगे। मुझे लगा कि नहीं, मुझे बोलना चाहिए और एक लाइन में सीधा जवाब देता हूँ कि हिजाब पर हाथ लगाओगे, घूंघट पर हाथ लगाओगे, दुपट्टा पर हाथ लगाओगे, शुरू से कह रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, चीर दिए जाओगे। बहन बेटियों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। चार दिन से डटे हुए प्रधानमंत्री जी, हाँ, चार दिन से डटे हुए, डमरू भी बजा रहे मंदिर में जाकर। अब आई वो पीर से 35 साल पुराना वाला भीख भी मांगेंगे। एक लास्ट सवाल, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये गाना तो आपने बहुत सुना होगा बीजेपी का, क्या कहना चाहेंगे? तो नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र मोदी का है, दशरथ मोदी रखना चाहिए था। राम के बाप का नाम जानते हैं पत्रकार? क्या तो आप इस क्या है दशरथ? तो दशरथ को, दशरथ जी ना राम जी को लाए थे इस धरती पर कि नरेंद्र मोदी लाए थे? और राम से बड़ा हो गए नरेंद्र मोदी? ये तो उन हिंदुओं को समझना चाहिए कि जिन हिंदुओं के धर्म और उनके भगवान की जो है जलालत और बेइज्जती ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने सत्ता की कुर्सी को पाने के लिए कर रहे हैं। मैं बता तो रहा हूँ, मैं पेशेवर पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं दिल से राजनीति करता हूँ और दिल का राजनीति करने वाला आदमी सबसे ज़्यादा खतरनाक आदमी होता है, क्योंकि दिमाग से मैं नहीं चलता हूँ, मैं दिल से चलता हूँ। आर या पार, राम के साथ बदतमीजी नहीं सहेंगे, अल्लाह के साथ बदतमीजी, पैगंबर के साथ बदतमीजी नहीं सहेंगे, जीजस के साथ बदतमीजी नहीं सहेंगे, गुरुद्वारे के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं सहेंगे, बहन बेटियों के साथ टिप्पणी नहीं सहेंगे, बाकी जो राजनीति है उन सबों को करने दीजिए, दलित टाइप के हैं ये भाजपा, ये सब नहीं जहर उगलेंगे। अच्छा सांप क्या करता है बताओ? काट लेता है। काटता है तो क्या होता है? जहर फैल जाता है। ये सब राजनीतिक सांप है। अब तुम्हारा मन है तुम जाओ उसके आँख हाथ के सामने करो, डसवा के मर जाओ, बचो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बयानों से बचिए, उनके सोच से बचिए और उनके संगत से बचिए। देश को बांटना चाहते हैं, बर्बाद। 80% कह रहे हैं जी, 80% सीट लेके आ रहे हो, योगी जी कह रहे हैं, कल बयान आया उनका। योगी जी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है भैया। हाँ, एकदम खत्म हो गलवन। जो आदमी 5 साल में खाली बुलडोजर खरीदा पूरे उत्तर प्रदेश में, अपराधी तो खत्म किया बुलडोजर से, अपराधी खत्म किया। योगी आदित्यनाथ के ऊपर कितना मुकदमा था? खाली हूँ, जवाब दीजिए। अब तो नहीं है ना मुकदमा? जवाब किसने खत्म किया? किसने लिया? योगी जी ने खुद ही, हम जो है अपराधी और हम ही अपना मुकदमा वापस ले रहे हैं। तो आप समझिए कि कैसे उन्हें आदमी होंगे और कैसे नेता होंगे। जो आदमी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठ करके गंभीरता नहीं समझ पाया, उस कुर्सी का मर्यादा नहीं समझ पाया, गरिमा नहीं समझ पाया, उस आदमी की बात पर आप वैल्यू देते हैं? मत दिया जी, उत्तर प्रदेश में इतना घूमे हैं हम, सर्वे किया है मैंने, बहुत महिलाओं से सुना है कि आज लड़की जो है 9 बजे भी निकल जाती है, 10 बजे भी निकल जाती है और महिला जो है योगी के राज में सुरक्षित है। हाथरस उन्नाव, अगर हम ये बात किसी को बताते तो वो कहते हैं कि एक दो कांड तो हो ही जाते हैं। उन्नाव, हाँ, सुल्तानपुर, शाहजहाँपुर, बनारस, चंदौली, मिर्जापुर, ये एक दो कांड है। नहीं, जवाब तो यही आता है ना आगे से, उनके जवाब पर आप तब उछलिए जो सच्चाई है, आप रूबरू नहीं होना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, पूरी तरीके से बहन बेटियों के ऊपर हमला किया गया है, ये दरिंदे लोग हैं, ये गंदे निगाह से देखते हैं हमारे और आपके बहन बेटियों को, ये भाजपा के लोग। इतना जमीर रखिएगा, आप लोग पत्रकार हैं, सवाल तक ही सीमित मत रहिएगा, इंसान पैदा हुए हैं, जानवर नहीं। ठीक है मिश्रा जी, इस चुनाव में आप गेम ब्रेकर बन रहे हैं या गेम चेंजर? मैं गेम स्पीडर बन रहा हूँ। समझने की कोशिश करिए मैं कौन हूँ। फाइनल मुकाबला है, वैसी साहब की नज़र आप ही पे, बनारस वाले मिश्रा जी। नज़र तो नरेंद्र मोदी जी का भी है। हाँ, क्या बैठे हुए हो यहाँ? बैठाए रहेंगे, या बनारस की अपनी एक ताकत है, जिसको चाहता उसको घुटने के बल पे यहीं जमीन पे बैठा। बता दीजिए योगी जी आ रहे हैं या जा रहे हैं? योगी जी जा रहे हैं मत, और ड्राइवर के साथ, तो वो ड्राइवर लगाए थे कि हम बुलडोजर चलवाएंगे कुछ खास विशेष लोगों के ऊपर। हमने कहा, ड्राइवर से बात कर लिया है, हमने कहा कि ऐसा है तुम उतर जाओ, मेरा ड्राइवर चढ़ा दो बुलडोजर। जैसे ही चुनाव खत्म होगा बुलडोजर का स्टेयरिंग घूमेगा, सीधे गोरखपुर जाते हुए दिखाई देगा सारे के सारे। यूक्रेन पर कह रहे हैं बुलडोजर नहीं, अब तो मेडिकल की सीटें भी दुगनी करेंगे, बच्चे बाहर ना जा पाए, बोर्ड दिख रहे हैं आजकल, गोरखपुर में दिखा, बनारस में भी दिख रहा है। अब वहीं वो बहुत कुछ लिखेंगे, अब तो आए हैं गुरु चद्दर के नीचे। विकास तो हुआ है कि नहीं हुआ? विकास बनारस में फोटो बना दिया। अच्छा, विकास हुआ या विनाश हुआ ये बता दें बस। नहीं, विनाश हुआ भैया, विनाश हुआ है, विनाश हुआ है। लोगों ने लाठियों से पीटा है, लोगों ने फर्जी मुकदमे लगा करके जेल भेजा है, रोटी मांगने पर मुकदमे हुए,
पानी मांगने पे मुकदमे हुए, जेल भेजे गए, सब विनाश के कारक हैं। और विनाश के जो लोग विनाशकारक लोग हैं, हमको और आपको मिल करके उनका विनाश कर देना चाहिए। ये इसी में ज़िंदगी बची। अच्छा मिश्रा जी, जाते एक क्या कहना चाहेंगे अपने? बड़ी बड़ी हड़बड़ी रहती है, आपको सवाल पूछ। अरे हड़बड़ी हमको रहेगा, बनारस के लोगों से क्या कहेंगे सर? मैं बनारस के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। आई लव यू उत्तरी।